पर्यावरण को लेके जो भी प्रयास किए जाए स्वागत योग्य है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास है, जो चरित्र है, वो ये कहता है कि 6 करोड़ 51 लाख पौधे, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे। हालात क्या हुए? न पौधा मिला, न उसको पौधे को संवारने वाला संभालने वाला मिला, यानी वो सिर्फ करप्शन की भेंट चढ़ा। तो 51 लाख पौधे इंदौर में आज विज्ञापनों से भरे पड़े हैं अखबार, अच्छी बात है, पर जितना इंदौर है उससे डबल करना पड़ेगा 51 लाख पौधे में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक पौधे का क्राइटेरिया बनाया जाए तो जितने आज है उससे डबल करो, तो अच्छी बात है। पहले तो पर्यावरण को लेकर पौधे का लगाने का अभियान के हम स्वागत करते हैं, पर इतिहास इनका करप्शन का है और इवेंट का है, तो मैं मानता हूं इवेंट और करप्शन से बच के पौधे लगे, ये भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। पर्यावरण को लेके जो भी प्रयास किए जाए स्वागत योग्य है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास है, जो चरित्र है, वो ये कहता है कि 6 करोड़ 51 लाख पौधे, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे। हालात क्या हुए? न पौधा मिला, न उसको पौधे को संवारने वाला संभालने वाला मिला, यानी वो सिर्फ करप्शन की भेंट चढ़ा। तो 51 लाख पौधे इंदौर में आज विज्ञापनों से भरे पड़े हैं अखबार, अच्छी बात है, पर जितना इंदौर है उससे डबल करना पड़ेगा 51 लाख पौधे में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक पौधे का क्राइटेरिया बनाया जाए तो जितने आज है उससे डबल करो, तो अच्छी बात है। पहले तो पर्यावरण को लेकर पौधे का लगाने का अभियान के हम स्वागत करते हैं, पर इतिहास इनका करप्शन का है और इवेंट का है, तो मैं मानता हूं इवेंट और करप्शन से बच के पौधे लगे, ये भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।